राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अभी 1.5 साल से कुछ समय बाकी है, लेकिन भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच तीसरे विकल्प का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। इस समय हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी। मिश्रा जी, किस प्रकार की तैयारी है? कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई मुखिया ही नहीं है, केवल आपके भरोसे या केजरीवाल के भरोसे ही तमाम काम होगा, और जो दावा कर रहे हो वो कैसे पूरा होगा? देखिए, अभी हम संगठन पर जोर दे रहे हैं। अभी हमारा पहला कार्य संगठन बनाना है, जो हम लोकसभा से लेकर जिला, जिला से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर गांव तक हम संगठन बना रहे हैं। पहले हमारा यहां पर संगठन था, जिसको मैंने भंग कर दिया, क्योंकि संगठन में कुछ आपस में दिक्कतें हो रही थी और संगठन ठीक से काम भी नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उस संगठन को भंग किया। तो ऐसा नहीं हमारे पास संगठन नहीं था, संगठन था, पर हमने उसको भंग करके नई कवायद शुरू की है, और उस कवायद में नए और अच्छे लोगों को संगठन बनाएंगे। और हमारी कोशिश है, जो पुरानों का एक्सपीरियंस है, जो पुराने संगठन के लोग रहे हैं, और नए लोग, दोनों को जोड़ के एक अच्छा संगठन बनाएं, जिसमें पुरानों का एक्सपीरियंस और नई की ऊर्जा दोनों मिला के एक अच्छा संगठन बनाएं और अच्छा काम करें। तो अभी हम संगठन पर जोर दे रहे हैं। अगला हमारा जो 3 महीने का कार्यक्रम है, उसमें हम लोग संगठन पर ही जोर दे रहे हैं। मतलब 3 माह के भीतर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो जाएगा नियुक्तियों के साथ? निश्चित, हमारी तो कोशिश है कि हम ग्राम स्तर तक हम संगठन को ले जाए पहले, जो है ना, क्योंकि संगठन के बिना काम हो नहीं सकता। और लोगों तक अगर पहुंचना हो, राजस्थान जैसा जो इतना बड़ा प्रदेश हो और जहां अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कार है, इतना फैला हुआ क्षेत्र है, यहां बिना संगठन के आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा पहला पड़ाव संगठन का ही है, और संगठन हम 3 महीने बना लेंगे। मिश्रा जी, आपने चूंकि कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल रखी है, अलग अलग संभाग मुख्यालयों पर आप जा रहे हैं, आपने वर्तमान की जो राजनीति चल रही है राजस्थान में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किस प्रकार से धार्मिक चीज़ें हो रही है लगातार, क्या लगता है आपको, आपका इशू क्या रहेगा राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं? तो हमारा इशू रहेगा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी खत्म करना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी आज राजस्थान में, पूरे देश में नंबर 1 पे अगर बेरोजगारी में है तो राजस्थान है। आज 32% बेरोजगारी है यहाँ पे। मिश्रा जी, चूंकि आपने कहा अभी कुछ टाइम पहले कि बीजेपी दंगा भड़काती है, बुलडोजर की राजनीति चल रही है, बुलडोजर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है आपने बीजेपी को लेकर। मैं तो कहता हूँ अगर इस देश से दंगे खत्म करना, आप देखिए अभी पीछे हाउस में इनके पार्लियामेंट हाउस में क्वेश्चन पूछा गया कि जब से भाजपा है तब से कितने दंगे, उन्होंने कहा 3400 दंगे इस देश में हुए, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो आप, आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा को सरकार बनाया था, भाजपा की सरकार बनाई थी कि दंगे खत्म करेंगे, लेकिन आज जब से आए ये दंगे बढ़ गए। 8 साल में इन्होंने खाली दंगे ही कराए, जहाँ ये चुनाव मुद्दों पे हारने लग जाते हैं वहाँ ये धर्म की बात करके लोगों को भटकाते हैं, मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर इस देश से दंगे खत्म करने हो तो इनके राष्ट्रीय दफ्तर पर बुलडोजर चला दो, इनके नेताओं के घरों पर बुलडोजर चला दो, इनके अफसरों, इनके नेता के जो घर है, इनका जो ऑफिस है, उस पर बुलडोजर चला दो, तो आप देखोगे कि जो है दंगे खत्म हो जाएंगे। इन नेताओं के पुत्र कोई BCCI में है, कोई RC में है, कोई मध्य प्रदेश की कांग्रेस का उसमें है, और बेचारा जो गरीब हिंदू है उसको ये भड़का के उसको जो है तलवार पकड़ा रहे हैं। ये अपने बच्चों को क्यों नहीं उस रैली में भेजते हैं, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं जो है शोभा यात्रा में भेजते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ धर्म से भटका रहे हैं, अपने बच्चों को ये क्यों नहीं भेजते हैं उसमें? तो ये सिर्फ और सिर्फ आम लोग जन को परेशान करने की बात है। आप भाजपा के इनके दफ्तर पर चला दो, इस देश से दंगे खत्म हो जाएंगे। राजस्थान की पॉलिटिक्स में दोनों ही जो प्रमुख सियासी दल है, कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, चेहरे की लड़ाई इन दिनों आम है। पार्टियों को लगता है साल 2023 में चुनाव आ रहे हैं तो चेहरा किसका रहेगा, आम आदमी पार्टी में ये भी लड़ाई है क्या? देखिए, आम आदमी पर बिल्कुल लड़ाई नहीं है। मैंने आपको कहा कि ये दोनों कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये बैसाखी पर चल रही है। आज अगर मैं कांग्रेस सरकार की राजस्थान में बात करूं तो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी में झगड़ा है, आज दोनों में झगड़ा है, और नेता को इनको उन्होंने बेलगाम छोड़ रखा है, क्योंकि जब बैसाखी पे आप चल रहे होते हो तो आप लटक सटक के चलते हो। इनको लोगों की चिंता नहीं, इनको अपनी कुर्सी की चिंता है, और यही हाल भाजपा में है। आज भाजपा में वसुंधरा जी हों चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो, ये आपस में कुर्सी CM के लिए लड़ रहे हैं, तो इनका अब इंटरेस्ट लोगों तक का नहीं, अपनी कुर्सी का होगा। तो जहाँ ऐसी जब इंटरेस्ट आता है वहाँ हम लोग कहते हैं आप आम आदमी पार्टी को विकल्प दें, और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जो मुद्दों की बात करती है, लोगों के विकास की बात करती है। हमारे यहाँ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ लोगों के काम करने की लड़ाई है। मिश्रा जी, आपने एक बात और संकेत दिए थे कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। इस क्ल्यू के पीछे कुछ आपने कुछ और क्ल्यू दे सकते हैं कि किस प्रकार के बड़े चेहरे आ सकते हैं? देखिए, समय आने पर हम आपको दे देंगे, अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी हम लोग संगठन खड़ा कर रहे हैं, और पहले हम अपने वॉलंटियर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम इनकी बात करेंगे। जहां तक आम आदमी और बीजेपी की बात है तो निश्चित तौर पे
बहुत सारे जो बड़े चेहरे आज हमारे संपर्क में हैं और पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा, पहले भी कहा और दोबारा कहूँगा कि हम दूसरी पार्टियों का कचरा नहीं लेंगे, हम अच्छे लोगों को लेंगे। तो अभी वही हम लोग जो है अच्छे लोग का और बुरे लोगों का जो एक है उसका मापदंड है, उस पर हम पैमाने पर हम पहले फिल्टर कर रहे हैं। जब फिल्टर होकर अच्छा चेहरा मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल, क्योंकि आपने कहा कई लोग संपर्क में है, संभवतः मौजूदा विधायक भी संपर्क में होंगे, मौजूदा जनप्रतिनिधि भी संपर्क में होंगे। बिल्कुल, मौजूदा विधायक भी संपर्क में है, एक्स MLA भी संपर्क में है, एक्स मिनिस्टर्स भी संपर्क में है और एक्स MPs भी संपर्क में है, और आज आपके माध्यम से बता दूं कुछ सांसद भी हमारे संपर्क में है। तो रूठे हुए नेता भी संपर्क में होंगे फिर तो? देखिए, जब एक विकल्प आता तो तमाम तरीके के नेता संपर्क करते हैं। आप रूठे हैं कि या उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, पर हम तो अच्छे चेहरों की तलाश कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न, क्या उम्मीद करें? साल 2023 में 200 विधानसभा सीटें हैं, तमाम से आप अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और दावा क्या है? निश्चित तौर पर हम 200 की 200 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और दावा यह है कि हम 2023 में अप्रत्याशित आपको रिजल्ट मिलेगा और राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो ये है विनय मिश्रा जी, दावा है साल 2023 में आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि सियासी दावा है, लेकिन इस दावे से पहले सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो और एक चेहरा मिले। हालांकि दावा है, लेकिन जो विकल्प की बात है वो विकल्प देने की बात मिश्रा कहते हैं। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ETV भारत, जयपुर।